सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बायोडावर्सिटी पार्ट एंड द टॉपिक इज़ टाइगर कंजर्वेशन इन इंडिया तो इसमें हम कुछ कुछ स्पीशीज़ पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं हमारी एंड जो हमारी की स्टोन स्पीशीज़ और अम्ब्रेला स्पीशीज़ होती है उनके बारे में हम सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो so, सबसे पहले उसमें है प्रोजेक्ट टाइगर दैट इज़ टाइगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है तो प्रोजेक्ट टाइगर को अगर बात करें तो अभी फिफ्टी इयर्स जो है प्रोजेक्ट टाइगर को कंप्लीट हो गए हैं और उसको पीएम मोदी जी ने अभी कॉमोरेट किया है माईसूरू कर्नाटका में मोर अबाउट न्यूज़ की अगर बात करें तो इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस जो है ये लॉन्च किया गया है इंडिया के द्वारा ड्यूरिंग दिस इवेंट इसी इवेंट में तो इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस किसने लॉन्च किया है इंडिया ने लॉन्च किया अब इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस जो है ये फर्स्ट पहली बार इंडिया ने प्रपोज किया था इंटरनेशनल ग्रुप अगेंस्ट पोचिंग और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड 2019 में और इसका एम है कि सेवन जो बिग कैट्स हैं हमारे पूरे ग्लोबली तो उनको हमको प्रोटेक्ट करना है नेमली कौन कौन सी सेवन बिग कैट्स है टाइगर लायन लेपर्ड स्नो लेपर्ड चीता जैगवार एंड प्यूमा ठीक है और इसमें पाँच ईयर्स तक के लिए आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करना है सपोर्ट प्रोवाइड करना है और फंडिंग जो है रुपीज़ एट हंड्रेड करोड़ तक देनी है सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरनेशनल बिग कैट अलाइंस नेक्स्ट वॉट इज प्रोजेक्ट टाइगर विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है नाइनटीन सेवेंटी थ्री में लॉन्च की गई थी और इनिशियली नाइन टाइगर रिजर्व में लॉन्च की गई थी बट उसके बाद बहुत सारे टाइगर

इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है और इन्हीं के पास कोऑर्डिनेशन रोल सुपरवाइजरी रोल सारे रोल जो है इन्हीं के पास है और इसको अप्रूव कौन करेंगे टाइगर कंजर्वेशन प्लान प्रिपेयर किया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग पैटर्न की बात करें तो सेंटर जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस स्टेट्स को सिक्सटी और फिफ्टी परसेंट पर प्रोवाइड करती है फॉर रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग आइटम्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिमालयन स्टेट के लिए नाइन्टी सेंट्रल असिस्टेंस देता है अब सेंट्रल ने प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को मर्ज किया था और एक न्यू डिवीज़न उन्होंने बनाया था प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीज़न जो कि मिनिस्ट्री ऑफ़ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर बना था और स्टाफ एंड डिविजनल हेड जो थे प्रोजेक्ट एलिफेंट के वो जो है एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो है फॉरेस्ट के उनको रिपोर्ट करेंगे और प्रोजेक्ट टाइगर के जो हैं वो ए, ए, जो हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ़ फॉरेस्ट हैं प्रोजेक्ट uh, मतलब प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन के ओके सो दिस इज ऑल अबाउट हमारा न्यू डिवीजन प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट नेक्स्ट व्हाट आर द एक्टिविटीज़ जो हमारे प्रोजेक्ट टाइगर में की जा सकती है तो पहली चीज़ ऑब्वियसली हमको न्यू टाइगर रिजर्व्स बनाने हैं जितने भी टाइगर हैं उनको हमको प्रोटेक्ट करना है कोर बफर एरिया जो है टाइगर रिजर्व्स बनाना है कोर एरिया जहाँ पे बिल्कुल भी ह्यूमन ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए ठीक है सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है कोर एरिया के बाहर होनी चाहिए फिर इसके बाद एक को एग्जिस्टेंस एरिया आएगा दैट इज़ बफर जोन और उसके बाद फ्रिंज एरियाज आएंगे और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो बैन कर सकती है कोई भी कंस्ट्रक्शन जो है टाइगर रिजर्वस में नहीं होगा तो उनके पास अथॉरिटी है अब असेसमेंट जो है टाइगर्स का वो एम स्ट्राइप्स के अंदर होगा तो याद रखेगा क्वेश्चन आ चुका है एम स्ट्राइप से रिलेटेड तो वो टाइगर के लिए है फिर इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग एवेल्यूएशन भी टाइगर रिजर्व्स के लिए डेवलप की गई है मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एवेल्यूशन फ्रेमवर्क फिर स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स भी डेवलप किया गया है बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स में जहाँ पे एंटी पोचिंग जहाँ एंटी पोचिंग एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए ई बर्ड प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है और इसमें जो है अनमैंड एरियल व्हीकल्स जो ऊपर फ्लाई करते हैं वो सर्वेलेंस और मोनिटरिंग के लिए जो है लगाया गया है सो दीज आर द एक्टिविटीज़ जो प्रोडेक्ट टाइगर के अंदर ली गई हैं फॉर द मोनिटरिंग ऑफ द टाइगर इन इंडिया नेक्स्ट आते हैं अब इंडियन टाइगर और रॉयल बंगाल टाइगर की बात करें तो इंडियन टाइगर अगर बात करें तो रॉयल बंगाल टाइगर दे आर आल्सो नोन एज डिक्लेयर्ड एज़ नेशनल एनिमल ऑफ़ इंडिया तो इनको नेशनल एनिमल ऑफ़ इंडिया डिक्लेयर किया गया है अब टाइगर प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो आई स्टेटस एंडेंजर्ड है याद रखिएगा जितने भी हम अभी स्पीशीज़ मोस्ट ऑफ़ द स्पीशीज़ एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है टाइगर हो गए एलिफेंट हो गए ठीक है लायन हो गए ये सब हमारे एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं साइट्स के अपेंडिक्स वन में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल वन में आता है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल फोर में आता है व्हाट इज शेड्यूल फोर वो वो एनिमल जो हमारे साइट्स के अंदर प्रोटेक्टेड हों वो शेड्यूल फोर तो जब हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसके पहले पढ़ा था कि दो बा, 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 में जो एक्ट चेंज करके अमेंडमेंट करके लाया गया तो उसमें छः शेड्यूल से चार शेड्यूल बनाए गए हैं चार शेड्यूल में पहले शेड्यूल में हाईएस्ट प्रोटेक्शन सेकंड शेड्यूल में लेसर प्रोटेक्शन थर्ड शेड्यूल में प्लांट्स को दिया गया फोर्थ शेड्यूल में जो साइट्स के अंदर एनिमल प्रोटेक्टेड है वो जो है हमारे फोर्थ शेड्यूल में आएंगे तो इसलिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन क्योंकि उसी में अमेंडमेंट किया है तो उसमें शेड्यूल फोर के अंदर आएंगे पहले शेड्यूल वन के अंदर थे अब हैबिटेट की बात करें तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया में पाई जाती है फिर स्मॉलर ग्रुप्स बांग्लादेश नेपाल भूटान चाइना म्यांमार में भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइगर पॉपुलेशन की बात करें तो मांग्रूव माउंटेन ग्रासलैंड ड्राई डिस्यूडियस फॉरेस्ट शोला फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट हर जगह मिलते हैं सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये एक अम्ब्रेला स्पीशीज़ है जो कि जोग्राफिकल रेंज को स्पेसिफाई करते हैं और की स्टोन स्पीशीज है एंटायर इको सिस्टम की स्टोन स्पीशीज मतलब कि ये अगर हमारे यहाँ से ख़त्म हो गए तो पूरी जो फूड चेन है दैट विल डिस्टर्ब तो डिफाइन एंटायर

ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट रॉयल बंगाल टाइगर नेक्स्ट आते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अभी हमने पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अभी स्टेटस ऑफ टाइगर को प्रिडेटर स्प्रे इन इंडिया रिपोर्ट रिलीज की है और एम ई ऑफ टाइगर रिजर्व इन इंडिया साइकिल जो कि फाइनल रिपोर्ट है उसको भी रिलीज की है हम नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बात करें तो ये एक स्टैटरी बॉडी है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के थ्रू बनी है लॉन्च हुई थी 2005 में बाय द रिकमेंडेशन ऑफ टाइगर ता, टास्क फोर्स कंपोजिशन की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट के जो इंचार्ज हैं मिनिस्टर इंचार्ज हैं वो चेयरपर्सन होंगे फिर स्टेट के वाइस चेयरपर्सन होंगे तीन मेंबर होंगे पार्लियामेंट के सेक्रेटरी होंगे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और अदर मेंबर्स भी होंगे अब ये मिनिस्ट्री ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितना भी प्रोजेक्ट टाइगर है उसको स्टेटरी अथॉरिटी देना सेंटर स्टेट अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना इन मैनेजमेंट ऑफ टाइगर रिजर्व पार्लियामेंट की जितनी भी स्कीम्स टाइगर से रिलेटेड बन रही है पॉलिसीज बन उनको ओवरसाइड करना एड्रेस करना कि लोकल पीपल का लाइवलीहुड इंटरेस्ट जो है कम ना हो इन एरिया सराउंडिंग टाइगर रिजर्व अदर की इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला है फॉर द लेटेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे इन टू नेक्स्ट आते हैं वॉट आर द रिपोर्ट रिलीज बाय एनटीसीए तो स्टेटस ऑफ टाइगर को प्रेडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया 2022 रिपोर्ट तो उन्होंने बोला है पॉपुलेशन की अगर बात करें तो 72 परसेंट ऑफ द वर्ल्ड के टाइगर पॉपुलेशन हमारे इंडिया में रहती है क्योंकि इंडिया में हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन है सेंट्रल इंडिया एंड शिवालिक और गैंगटिक प्लेन्स में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व इंक्रीज हुए हैं टेक्निक कौन कौन सी यूज होती है पहली एम स्टाइप अभी हमने बोला कि मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस ये क्या करता है ग्लोबल प्रोजिशनिंग सिस्टम यूज़ करते हैं और रिमोट सेंसिंग यूज करते हैं टाइगर है, को मॉनिटर करने

ठीक है अब अगर हाईएस्ट टाइगर रिजर्व हाइएस्ट टाइगर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में है याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट एक बार क्वेश्चन आ चुका है सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में है देन कर्नाटका फिर उत्तराखंड फिर महाराष्ट्र फिर तमिलनाडु तो याद रखिएगा महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है फिर कर्नाटका उत्तराखंड महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु दो में भी ऐसा ही है अब रिजर्व्स विथ हाइस्ट टाइगर पॉपुलेशन कौन से रिजर्व में सबसे ज्यादा तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में वहाँ पे सबसे ज्यादा टाइगर्स मिलते हैं याद रखेगा मध्य प्रदेश में हमको टाइगर्स ज्यादा मिलते हैं एज अ स्टेट वाइज अगर बात करें बट नेशनल पार्क और सेंचुरीज की बात करें तो वहां पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड में वहां पर सबसे ज्यादा टाइगर मिलते हैं फिर बंदीपुर में नागरहोल में बांधवगढ़ में और उसके बाद दुधवा अब रिजर्व्स जहां पे कोई भी टाइगर नहीं मिलते तो पहला है डम्फा रिजर्व जो कि मिजोरम में है। कमलंग अरुणाचल प्रदेश में है कवल तेलंगाना में है सतकोशिया उड़ीसा में और शयादरी महाराष्ट्र में है तो यहाँ पे कोई भी टाइगर्स नहीं मिलते हम नागालैंड में कोई भी टाइगर नहीं है मिजोरम में कोई भी टाइगर नहीं है झारखंड में कम हो गए टाइगर गोवा में ज़्यादा हो गए अरुणाचल प्रदेश में भी कम हो गए तो पांच जो हैं कुछ ऐसे रिजर्व्स हैं जहाँ पे कोई भी टाइगर्स नहीं मिलते सो दिस इज ऑल अबाउट दिस रिपोर्ट नेक्स्ट आते एम ई फॉर टाइगर ऑफ टाइगर रिजर्व इन इंडिया फिफ्थ साइकिल फाइनल रिपोर्ट तो ये जो है दो में दो से यूज किया गया टाइगर की पॉपुलेशन टाइगर रिजर्व्स को एक्सेस करने के लिए और ये जॉइंटली कौन रिलीज करते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये फ्रेमवर्क जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया उन्होंने दिया था अब फाइंडिंग्स क्या है तो फिफ्टी वन टाइगर रिजर्व इसमें इवेलुएट किए गए और पैरियर टाइगर रिजर्व जो कि केरला का है वहाँ पर बेस्ट मेनटेन टाइगर रिजर्व बोला गया उसको कि वहाँ पर सबसे अच्छा टाइगर रिजर्व का कोर बफर एरिया है ओवरऑल मीन एम ई वी स्कोर जो है वो सेवनटी एट परसेंट है कोई भी कंट्री जो है पुअर में नहीं आती टाइगर रिजर्व्स में अर हेडलाइन इंडिकेटर कार्बन कैप्चर और, और क्लाइमेट चेंज जो है स्कोर इसको मिला है तो यहाँ पे देख सकते हैं अब डिजाइन एंड प्लानिंग की बात करें तो स्टेटस और थ्रेट कहाँ पे है प्लानिंग क्या हम कर रहे हैं क्या है इनपुट्स की एडिक्वेसी एंड अप्रोप्रिएटनेस की बात करें तो इनपुट में व्हाट डू वी नीड और प्रोसेस व्हाट हाउ डू वी मैनेज इट डिलीवर्ड में बात करें तो आउटकम्स क्या होंगे कैसे हम अचीव करेंगे और आउटपुट क्या होंगे ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस वेलुएशन नेक्स्ट आते हैं अदर न्यूज़ रिलेटेड टू टाइगर कंजर्वेशन तो सबसे पहले आता है ढोलपुर करौली टाइगर रिजर्व वेरी इंपॉर्टेंट ढोलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो है दैट इज़ इन हमारा ईस्टर्न uh, पार्ट जो है राजस्थान का वहाँ पे है तो अभी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने फाइनल अप्रूवल दे दिया कि ये भी एक टाइगर रिज़र्व है और अभी अदर टाइगर रिज़र्व जो इसके पहले डिक्लेयर किए गए थे वो था वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिज़र्व मध्य प्रदेश का अब टाइगर रिजर्व जो है पहले स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती कि ऑन एडवाइज़ ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कि ये टाइगर रिजर्व को ऑफ टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करिए अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन रिलेटेड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ़ एनवायरमेंट फॉरेस्ट जो है वो क्लियर करती है जो भी एन ने इ प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है और डिक्लेयर कर देती है किसी भी सेंचुरी को टाइगर रिजर्व और उन्होंने कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो राजस्थान में उसको भी टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया अब ढोलपुर करौली टाइगर रिजर्व की बात करें तो इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन आप देख सकते हैं राजस्थान में है फिफ्थ टाइगर रिजर्व है राजस्थान से याद रखेगा दिस इज द फिफ्थ टाइगर रिजर्व फ्रॉम द राजस्थान अदर आर राठम बोर्ड मुकुंद्रा हिल्स एंड रामगढ़ विशधरी रिवर की अगर बात करें तो चंबल रिवर यहाँ से फ़्लो होती है ट्रॉपिकल ड्राइडेसिडस फॉरेस्ट मिलता है और सांबर चीतल ब्लू बुल वाइल्ड बोर्ड स्लोथ बियर हाइना लेपर्ड ये सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं ठीक है थीके? अब आते हैं टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट तो इंडिया का पहला इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट अभी फेल हो गया है टाइगर रीलोकेशन प्रोजेक्ट जो है 2018 में स्टार्ट हुआ था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने स्टार्ट किया था कि टाइगर को एक जगह से एक स्टेट से दूसरी स्टेट में रीलोकेट करना तो इन्होंने ए, दो टाइगर्स चुने थे एक मेल था जिसका नाम महावीर था उसको वो कान्हा टाइगर रिजर्व से सत्यकोशिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में ट्रांसफर करेंगे और एक फीमेल भी थी सुंदरी जो कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से मध्य प्रदेश में तो कान्हा टाइगर रिजर्व एंड बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व दोनों मध्य प्रदेश में है एक मेल और एक फीमेल इन दोनों को रिलोकेट करना था हमको सत्यकोशिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में फेलर क्यों हुआ बिकॉज ऑफ ऑगमेंटेशन प्री ऑगमेंटेशन पुअर था कैपेसिटी बिल्डिंग जो स्टाफ की थी वो कम थी प्रोटेक्शन जो था वो कम था फंड्स जो है प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर वो भी अच्छे से नहीं दे पाए डाइवर्ट हो गया और टाइगर ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण भी सो दिस इज़ ऑल अबाउट टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट नेक्स्ट आते हैं आई इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम और टाइगर प्रोग्राम तो अभी ये लॉन्च अभी इन्होंने एक लॉन्च किया है कॉन्सेप्ट नोट्स नोट्स फॉर फेज फोर ऑफ़ द प्रोग्राम तो फ़ेज़ फोर जो है इस प्रोग्राम का उसमें हमको आ, एक्सपैंड करना है इसके फोकस को और पेंथरीन स्पीशीज़ जो है जैसे कि लेपर्ड और क्लाउडर लेपर्ड इनको भी इंक्लूड करना है ये 2014 में लॉन्च हुआ था ये प्रोग्राम ये एक फंडिंग मैकेनिज्म है जो कि जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री इकोनॉमिक अफेयर्स एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट सपोर्ट करते हैं और ये कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम के लिए अब ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम की बात करें तो ओवरऑल इंक्रीज जो है टाइगर पॉपुलेशन का वो सिक्सटी हुआ है रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है अब ये एफर्ट है बहुत थर्टीन ट्रिक्स का कि वो टाइगर की पॉपुलेशन डबल करेंगे बाय 2022 और ये इवॉल्व हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग में ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव 2010 में हुआ था वहाँ पे अब ग्लोबल टाइगर रिजर्व 2.0 अभी 2034 के लिए लॉन्च किया गया है सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइगर पॉपुलेशन ओके सो वी हैव फिनिश्ड द टाइगर नेक्स्ट कम टू प्रोजेक्ट चीता वेरी इंपॉर्टेंट चीता भी बहुत इंपॉर्टेंट है पर चीता अपने इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में चीता एक्सटेंट हो चुके हैं तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी फॉर्म की है कि चीता प्रोजेक्ट को वॉच करिए अब चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी की बात करें तो ये इलेवन मेम्बर्स कमेटी है जो कि इंटरनेशनल और नेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं उन सबसे बनी है कि चीता के पॉपुलेशन को प्रोजेक्ट चीता को इम्प्लीमेंटेशन देखना और उसको दो साल में फोर्स मिल लाना अब कमेटी जो फॉर्म हुई है बिकॉज़ ऑफ रीसेंट डेथ हुआ था जो भी हमने आ, हमने अफ्रीका से नाबीबियन नाबी नामीबियन चीता को अभी कुनो पालपुर मध्य प्रदेश में लाया गया था लाया गया था ट्रांसलोकेट किया गया था जिसके कारण जो है मध्य प्रदेश में वो नहीं सरवाइव कर पाए और खत्म हो गए तो इसलिए जो है ये न्यूज़ में था वॉट इज द की फीचर्स ऑफ प्रोजेक्ट चीता तो एटलीस्ट फिफ्टी चीता जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा साउथ uh, अफ्रीका से uh, हमारे नेशनल uh, पार्क में ओवर फाइव ईयर्स इंप्लीमेंटेशन नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी फंडिंग जो है प्रोजेक्ट टाइगर एज वेल एज कंपनसेशरीफॉरेस्टेशन फंड जो है उससे आएगा अब हमको इसमें क्या करना था कि अफ्रीकन चीता को इंडिया में इंट्रोड्यूस कराना था अब इंडिया में अगर बात करें तो चीता अभी हमने ऊपर बताया कि चीता जो है एक्सटिंट है इंडिया से नाइनटीन फिफ्टी टू से और ओनली लार्ज वाइल्ड मेमेलिया है जो हमारे यहां एक्सटेंट हो गई सिंस इंडिपेंडेंस अब प्रोग्रेस क्या क्या हुआ वो देख लेते हैं आउट ऑफ सिक्स क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट टर्म सक्सेस प्रोजेक्ट जो है फोर क्राइटेरिया नेमली फिफ्टी परसेंट सर्वाइवल इंट्रोड्यूस स्टेब्लिशमेंट ऑफ होम रेंजेस बोथ ऑफ कपस इन कूनो और रेवेन्यू टू लोकल कम्यूनिटीज ये हमको सेटिस्फाई करना था अब रीस्टोरेटिव इन्वेस्टमेंट जो है अदर सेलेक्टेड एरियाज में भी आप कर सकते हो जैसे कि नौरा दे और गांधी सागर हो गए एम बी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि एक चीता ब्रीडिंग और कंजर्वेशन सेंटर भी हम स्टेब्लिश करेंगे बन्नी ग्रास जो कि गुजरात में है और अर्लियर ट्वेंटी चीता जो है ट्रांसलोकेट किए गए थे नामीबिया साउथ अफ्रीका से टू कूनो पा कूनो नेशनल कूनो पालपुर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश और करंटली नाइनटीन चीता जो है इंडिया में है आफ्टर डेथ ऑफ सिक्स एडल्ट एंड फोर न्यू बॉर्न कप्स तो याद रखेगा नाइनटीन चीता ही बने हैं अब अफ्रीकन चीता की बात करें तो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अफ्रीकन चीता एंड एशियाटिक चीता अफ्रीकन चीता जो है अपेंडिक्स वन में आते हैं हम देख लेते हैं तो अफ्रीकन चीता जो है वो हमारे वर्लरेबल है बट एशियाटिक चीता क्रिटिकली एंडेंजर्ड है याद रखेगा एशियाटिक चीता क्या है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है वो हमारे यहाँ नहीं मिलते अफ्रीकन चीता वर्लरेबल है साइड्स के अपेंडिक्स वन में आते हैं दोनों डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो अफ्रीकन चीता अफ्रीका नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका ईस्ट अफ्रीका एंड साउदर्न अफ्रीका में मिलते हैं और ये सिर्फ जो एशियाटिक चीता है वो हमको सिर्फ ईरान में मिलते हैं कुछ ही लेफ्ट है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो अफ्रीकन चीता बिगर साइज के होते हैं और स्लाइटली बिगर बिल्ड एंड स्टडी लेग्स और नेक्स होते हैं ये स्लाइटली स्मॉलर होते हैं स्लेंडर होते हैं अफ्रीकन चीता से और बहुत स्मॉलर और इनका नेक भी बहुत छोटा होता है ठीक है नेक्स्ट फूड इनटेक की बात करें तो ये डाइवर्स डाइट बिकॉज ऑफ बिगर हैबिटेट और ये लिमिटेड सोर्स uh, में है क्योंकि ऑब्वियसली ईरान बस में पाए जाते हैं तो लिमिटेड सोर्स में ही ये जीते हैं अब अफ्रीकन चीता की बात करें अपेंडिक्स वन जो कि हमने देख लिया अफ्रीकन चीता हमारे वालरेबल है एशियाटिक चीता क्रिटिकली एंडेंजर्ड है बोथ फ्लैगशिप और अम्ब्रेला स्कीम है अम्ब्रेला स्पीशीज है कैरेक्ट्रिस्टिक की बात करें तो वर्ल्ड के फास्टेस्ट लैंड एनिमल है याद रखिएगा मैमल है ये दिन में चलते हैं दिन में जगते हैं बिग कैट्स डोंट रोर, ये रोर नहीं करते जेसेशन पीरियड इनका 93 डेज होता है लिव्स इन थ्री मेन सोशल ग्रुप्स फीमेल और उनके कप्स में रहते हैं मेल कोलेशन में रहते हैं या सॉलिट्री मेल्स में रहते हैं फीमेल जो है वो नोमेटिक लाइफ जी जीती हैं धूंढ के कि होम रेंजेस में मतलब चलती रहती है कि घर मिल जाए तो कहीं पर रुक जाए मेल जो है वो जनरली मोर सेडेंट्री लाइफ जीते हैं और स्मॉलर टेरिटरीज में सर्वाइव कर सकते हैं अमंग लार्ज कार्निवोर कॉन्फ्लिक्ट जो है इनका ह्यूमन से वो बहुत कम होता है लोवेस्ट होता है ठीक है तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोजेक्ट चीता नेक्स्ट आते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट वेरी इंपॉर्टेंट अब प्रोजेक्ट एलिफेंट हमने बताया था जितनी भी बड़ी बड़ी स्पीशीज हैं सब एनडेंजर तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो भी एंडेंजर कैटेगरी में आते हैं तो प्रोजेक्ट एलिफेंट में अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि प्रेसिडेंट ने पार्टिसिपेट किया गज उत्सव में जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क में हुआ जो कि आसाम में है और उन्होंने बोला कि थर्टी ईयर्स जो है वो कम्प्लीट हो गए हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट को अब काजीरंगा नेशनल पार्क आप देख सकते हैं दिस इज काजीरंगा नेशनल पार्क तो यहाँ पर आसाम में बहुत सारे नेशनल पार्क है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है नॉर्थ से साउथ या ईस्ट वेस्ट आपको वो करने के लिए तो वैसे इट बताए तो मानस सबसे पहले आता है फिर ओरांग फिर नामेरी तो मौन हो गया मौन मौन हो गए फिर काजीरंगा आता है और दिव्रु शो दिब्रु तो मौन केडी मॉन केडी जो है ये हमारे आसाम में आ, कुछ नेशनल पार्क्स हैं अब काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो जोग्राफिकल लोकेशन ईस्टर्न हिमालयन बायोडावर्सिटी हॉटस्पॉट में आता है काजीरंगा नेशनल पार्क और ब्रह्मपुत्र जो है इसके नॉर्थ में फ्लो होती है और करबी अगलोंग हिल्स इनके साउथ में है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वेरी इंपॉर्टेंट ब्रह्मपुत्र डिफ्लू मोरा डिफ्लू और मोरा धनसिरी रिवर यहाँ से फ्लो होती है ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉडली फॉरेस्ट मिलता है अब फ्लोरा एंड फोना की बात करें तो ग्रेट इंडियन राइनसऑर्स टाइगर लेपर्ड फेंट यहां मिलते हैं कुंभी इंडियन गोसबेरी कॉटन ट्री एलिफेंट एप्पल ये सारी चीजें यहां मिलती है अब प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो 1992 में लाया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है मेजर एलिफेंट स्टेट्स को आ, ठीक है स्टीरिंग कमेटी की बात करें तो इसमें गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट के मेम्बर दोनों के हैं एलिफेंट रिजर्वस इन इंडिया की बात करें तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी डिक्लेयर किया जाती है बाई द गवर्नमेंट कि लार्ज लैंडस्केप को आप डिमार्केट करिए फॉर द एलिफेंट्स और उनके मूवमेंट्स के लिए थर्टी एलिफेंट्स रिजर्व है हमारे इंडिया में याद रखेगा हाइएस्ट ऑफ एलिफेंट रिजर्व कहां है तमिलनाडु में फिर आसाम में और फिर केरला उड़ीसा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट तमिलनाडु में सबसे ज्यादा एलिफेंट रिजर्व है फिर आसाम फिर केरला फिर उड़ीसा अब एलिफेंट कॉरिडोर्स की बात करें तो वेस्ट बंगाल में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर है और सिक्स ट्रांसनेशनल कॉरिडोर हैं इंडिया और नेपाल के बीच में अब अबाउट इंडियन एलिफेंट की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हाई इंटेलिजेंट एनिमल होते हैं स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स होता है और कम्युनिकेशन सोफेस्टिकेटेड होता है कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है फ्रॉम हर्ट्स टू रिलेटेड फीमेल लेड बाई ओल्डेस्ट फीमेल जो है द मेट्रियाकल फैमिली टाइप की होती है लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड सारे मेमल्स में से लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड इन्हीं का होता है एटीन टू ट्वेंटी Months, और ये लेस सोशल होते हैं एडल्ट मेल जो एशियन एलिफेंट होते हैं वो लेस सोशल होते हैं देन फीमेल्स दे एंटर मूज अ मेड सर्चिंग स्ट्रेटजी फॉर ओल्ड और कुम्फ कुमकी एलिफेंट जो है अभी ये न्यूज़ में है ये टर्म यूज़ किया जाता है फॉर कैप्टिव एशियन एलीफेंट जो जिनको ट्रेन किया जाता है कि टू ट्रैव वाइल्ड एनिमल एलिफेंट्स तो कुमकी एलिफेंट जो है अभी न्यूज़ में था अब हैबिटेड की बात करें तो सेंट्रल सदर्न वेस्टर्न घाट्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया ईस्टर्न इंडिया नॉर्दर्न इंडिया सम पार्ट्स ऑफ पेनिसुलर इंडिया हर जगह मिलते हैं इंडिया जो है मोर देन सिक्सटी परसेंट ऑफ एलिफेंट जितने भी एशियन एलिफेंट हैं यहाँ मिलते हैं और हाइएस्ट uh, नंबर ऑफ एलिफेंट की अगर बात करें वेरी इंपॉर्टेंट कर्नाटका में सबसे ज्यादा एलिफेंट मिलते हैं फिर उसके बाद आसाम उसके बाद केरला वॉट आर द थ्रेड्स ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट ठीक है फ्रेगमेंटेशन पोचिंग लॉस ऑफ जेनेटिक वायबिलिटी ठीक है ये सारे थ्रेट्स हैं अदर मेजर्स जो लिए गए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सेंसर एक सिस्टम लॉन्च किया गया तो गजराज तो 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 जो कि डिप्लॉय किया गया कि जितने भी एलिफेंट डेथ्स हैं उनको हमको प्रिवेंट करना है सेंसर्स जो है एलिफेंट का हर पाँच साल में किया जाता है और ऑफ नेटिव स्पीशीज ऑफ ट्रीज़ इन आसाम स्पीशीज इंक्लूड आंवला बेल घुमरी जामुन भूमुरा एंड अर्जुन एटसेट्रा ओके नाउ लेट्स कम टू आर द आयू सी एन स्टेटस तो मैंने बोला था जितनी भी बड़ी बड़ी स्पीशीज है सब एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है साइट्स के अपेंडिक्स वन में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी टू के शेड्यूल वन में आता है और उसमें जो अभी अमेंडमेंट हुआ है उसके शेड्यूल फोर में आएगा अब वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द एशियन एंड अफ्रीकन एलिफेंट तो एशियन एलिफेंट एंडेंजर्ड है अफ्रीकन एलिमेंट हमारे सवाना एलिफेंट अलग होते हैं फॉरेस्ट एलिफेंट अलग होते हैं सवाना एलिफेंट एंडेंजर्ड है फॉरेस्ट एलिफेंट क्रिटिकली एंडेंजर्ड है अब एशियन एलिफेंट की बात करें तो स्मॉलर वेट होता है इनका कम वेट होता है एज कम्पेरजन टू अफ्रीकन एलिफेंट ईयर्स की बात करें तो इनके राउंड ईयर्स नहीं होते हैं एज एशियन एलिफेंट के अफ्रीकन एलिफेंट के राउंड ईयर्स लार्ज फैन शेप्ड ईयर्स होते हैं मतलब इनके स्मॉलर राउंड ईयर्स होते हैं इनके फैन शेप्ड ईयर्स होते हैं कंपेरेटिवली जो एशियाटिक एलिफेंट है इनके स्किन जो, जो है स्मूद होती है ट्विन डोम्ड हेड होते हैं और ओनली कुछ मेल के टस्क रहते हैं और बहुत सारी फीमेल्स जो हैं उनमें टस्क एबसेंट रहता है और इसमें दोनों में टस्क रहता है ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन एशियन एंड अफ्रीकन एलिफेंट नेक्स्ट कम टू स्टेट ऑफ राइनो 2023 रिपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन राइनो फाउंडेशन ने अभी रिलीज़ किया है स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट फाउंडिंग की बात करें तो इंडियन राइनो फाउंडेशन क्या है तो ये इंटरनेशनल ब्लैक राइनो फाउंडेशन इन नाइनटीन में बना और डेडिकेट किए कि जितने भी फाइव हमारे राइनोज है स्पीशीज है उनको जो है डेडिकेट किया गया की फाइंडिंग्स की बात करें तो ग्रेटर वन हॉर्न राइनो पॉपुलेशन जो है इंडिया में और नेपाल में वो बढ़ रही है ब्लैक राइनो की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन जो है व्हाइट राइनो और सुमात्र राइनो की डिक्रीज हो रही है अब वाइट राइनो आप देख लेते हैं व्हाइट राइनो आयुसियन स्टेटस में नियर थ्रिएटेंड है ग्रेट वन राइनो वालरेबल है ब्लैक राइनो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है जावर राइनो क्रिटिकली अनडेंजर्ड सुमात्रन राइनो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है अब राइनो की बात करें तो फाइव स्पीशीज है राइनो की जो हमने बता दिया इंडिया में सर्वाइव करती है तीन जो है एशिया में मिलती हैं फॉर एक्जाम्पल सुमात्रन राइनो जावर राइनो और ग्रेट हॉर्न वन हॉर्न राइनो और दो जो है अफ्रीका में मिलती है वाइट राइनो एंड ब्लैक राइनो अब देख कंपेरिटिवली इनका जो विजन होता है देखने की शक्ति होती है दैट इज पुअर और रियली really, ये जो स्मेल होती है उससे चलते हैं राइनो के हॉर्न्स जो हैं वो कैरेटिन से बने होते हैं और सात सेंटीमीटर तक ग्रो कर सकते हैं और ये एक्सीलेंट स्विमर्स होते हैं अब इंडियन राइनोज की बात करें तो इंडियन राइनोस जो हैं वो राइनोजन स्टेटस के अंदर वलरेबल है अपनडिक्स वन में आते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल वन में आते हैं ठीक है साइट्स में नहीं आते इसलिए यहाँ पे अलग से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का वो नहीं दिया है और ट्वेंटी टू स्पीशीज में से एक स्पीशीज़ है जो इसका स्पीशीज़ रिकवरी प्रोग्राम के अंदर आती है कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये लार्जेस्ट है और सारे राइनो स्पीशीज से यूजुअली सॉलीटरी होते हैं एक्सेप्ट फॉर फीमेल्स मेल राइनोज बहुत तेजी से वायलेंटली फाइट करते हैं कंपेयर टू फीमेल ये स्किन को कवर करते हैं थ्रू मट्स और बहुत फास्ट रन कर पाते हैं ठीक है थीके? अब थ्रेड्स की बात करें तो पोचिंग फॉर मेडिकल पर्पसेस हैबिटेट लॉस इन सब थ्रेड्स है। है, हैबिटेट की बात करें तो तराई दुआर सवाना और ग्रासलैंड और रिवराइन फॉरेस्ट में ज़्यादा मिलते हैं मेरी नेपाल भूटान पाकिस्तान इंडिया में मिलते हैं और इंडिया जो है 85 फाइव परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन को आ, होम है इन इंडिया अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश वेस्ट बंगाल आसाम में मिलते हैं आसाम जो है 71 वन परसेंट ऑफ पॉपुलेशन आसाम में मिलती है जहाँ पर काजी रंगा पार्क में कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी दो में लाई गई फिर न्यू न्यू डेली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनो टू इंडियन राइनो विजन ट्वेंटी ट्वेंटी एक ज्वाइंट प्रोग्राम है आसाम फॉरेस्ट डेवलपमेंट का वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और आई का कि का राइनो के पॉपुलेशन को हमको इंक्रीज करना है सो दिस इज ऑल अबाउट इंडियन राइनो नेक्स्ट आते हैं बैन ऑन ड्रग्स हार्मफुल फॉर वर्चर्स तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने रिकमेंड किया है कि दो ड्रग्स जो हैं दो और ड्रग्स को वर्चर्स को जो हार्म कर रहे हैं उनको हम बैन करेंगे कि वो जो है नहीं यूज होंगे अब ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड जो है वो एग्री करती है कि कीटोप्रोफ़ीन और एसीलोफेनैक जो ड्रग लाइफ स्टॉक के ट्रीटमेंट के लिए लिया जाता है उन ड्रग्स को बैन करना है अब ये जो है हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है स्ट्रेटेडी डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो ड्रग्स से रिलेटेड मैटर्स को देखती है और ये सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आती है अब अबाउट अब ड्रग बैन की बात करें तो कीटोप्रोफिन एसी फेनैस डिक्लो डाइक्लोफेनाक एंड नीमेसुलाइड जो है दीज आर ये क्या है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग हैं जो कि वेटनरी प्रैक्टिस में यूज किए जाते हैं और वो बहुत टॉक्सिक होते हैं वल्चर्स के लिए और बर्ड प्रे के लिए डाइक्लोफेनाक जो है ऑलरेडी इंडिया ने बैन कर दिया है और कुछ जो ये ड्रग्स हैं वो फुली मेटाबोलाइज नहीं होते मतलब वल्चर्स जो हैं उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाते और वो कहीं ना कहीं बर्ड्स की किडनी को ख़राब करते हैं और बर्ड्स को मार डाल खत्म हो जाते हैं वो उसके कारण तो इसलिए जो है इनको बैन करने की बात की है टोटल नाइन स्पीशीज़ वल्चर्स की इंडिया में मिलती हैं पॉपुलेशन ऑफ वाइट बैक्ट वल्चर सिलेंडर बाइल वल्चर लॉन्ग बाइल वल्चर वो डिक्लाइन हो गए और वल्चर्स जो हैं वो स्पीशीज़ रिकवरी प्रोग्राम के अंदर आते हैं तो दीज आर द नाइन वल्चर्स जो हमारे इंडिया में मिलते हैं ओके नेक्स्ट आते हैं फंगा रिकगनीशन एंड कंजर्वेशन अब फंजाई तो आपने पढ़ा होगा तो एक फंगा भी है तो फंजाई फाउंडेशन ने फंडाई फाउंडेशन ने थ्रू यूएन एनो बायोडाइवर्सिटी उन्होंने अर्ज किया है कि आप फंगा वर्ड यूज़ करिए जो फ्लोरा एंड फोना दोनों को मिल बनाओ तो मतलब ऐसा नहीं कि फ्लावर्स को अलग और एनिमल्स को अलग देखें फंगा जो है फ्लोरा एंड फोना दोनों को एक साथ मिलकर बना है और एज अ पार्ट ऑफ ट्रिनिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ अब फंगा एंड फंजाई की बात करें तो मतलब होता है कि फंगाई के अंदर ही कितनी डाइवर्सिटी है उसको हम फंगा बोलेंगे ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ट्रॉपिकल टेम्परेट आर्टिक रीजन टेरेस्ट्रियल और इक्विटी की इकोसिस्टम दोनों में मिलते हैं हैबिटेट लॉस होस्ट ओवर एक्सप्लाइटेशन क्लाइमेट चेंज पॉल्यूशन इसके ये थ्रेट्स हैं अब सिग्निफिकेंस क्या है ये कुलनरी यूज के लिए कार्बन रिजर्वाइज डी कम्पोजिशन न्यूट्रिन साइकिल को मेंटेन करने के लिए माइक्रो माइक्रोमीडिएशन और मेडिसिन को यूज़ करने के लिए बन यूज़ होते हैं अब कम्पेरिजिंग कंपेरिजन करें अगर फ्लोरा फोना एंड फंगा में तो सबसे पहले फ्लोरा जो है दैट इज़ प्लान्टई फोना एनिमलई और फंगा जो है वो फंगाई ग्रुप से आता है एग्जाम्पल्स अगर बात करें फ्लोरा के तो एलगी फ्लावर्स ट्रीज़ फोना के ऑब्वियसली एनिमल्स इंसेक्ट्स रेप्टाइल्स एंड मैमल्स और फंगा के मशरूम ईस्ट मोल्स हो गए मोबिलिटी की बात तो ये इमोबाइल होते हैं कहीं भी जा नहीं सकते पर फोना जो है वो कहीं भी मूव कर सकते हैं मोबाइल होते हैं और फंगा भी इमोबाइल होते हैं रिप्रोडक्शन की बात करें फ्लोरा तो आपको पता है प्लांट्स हमारे सीड्स स्पोर्ट्स और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस uh, करते हैं फोना हमारे सेक्शुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से करते हैं और फंगाई भी हमारे स्पोर्ट्स से रिप्रोडक्शन करते हैं और ए से रोल इन इको बात करें तो प्लांट्स जो है वो हमारे प्राइमरी इको प्रोड्यूसर्स होते हैं फोना जो है ये कंज्यूमर्स होते हैं ठीक है होते हैं और फंगा जो है, वो हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन फ्लोरा फोना एंड फंगा नेक्स्ट आते हैं एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ रेड सैंडर्स वुड। तो रेड uh, सैंडर्स आपको पता है आपने एक मूवी देखी होगी उस मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है उस मूवी में रेड सैंडर्स की बात की गई है कोई साउथ की मूवी है तो डायरेक्टर जनरल ऑफ़ फॉरेन ट्रेड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आते हैं उन्होंने बोला है कि एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है रेड सैंडर्स से रिलेटेड जो भी रेड सैंडर्स हमारे प्राइवेटली मतलब प्राइवेट लैंड में कल्टिवेट होते हैं तो उनके लिए एक्सपोर्ट पॉलिसी आप देखिए तो अमेंडमेंट्स uh, जो है वो इशू इशू किए गए हैं अंडर द पावर कन्फर्ड बाई द फॉरन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट नाइनटीन नाइन्टी टू और फॉरन ट्रेड पॉलिसी अब इस ट्रेड पॉलिसी के अंदर जो इम्पोर्ट है रेड सेंडर्स का मतलब रेड सेंडर्स अगर आप कहीं से ला रहे हो वो पूरी तरह प्रोहिबिटेड है वाइल एक्सपोर्ट जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है मतलब अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वो रिस्ट्रिक्टेड है कुछ कुछ चीज़ों के लिए बट इम्पोर्ट पूरी तरह प्रोहिबिटेड है अर्लियर डी जी एफ टी इन टू थाउजेंड नाइनटीन उन्होंने रिवाइज़ uh, किया था एक्सपोर्ट पॉलिसी को कि रेड सैंडर्स को परमिट करेंगे एक्सपोर्ट के लिए इन लॉन्ग फॉर्म एंड रूट्स अगर वो एक्सक्लूसिवली प्राइवेट कल्टीवेटेड लैंड में ऑप्टेन हो रहा है अब रिसेंट अमेंडमेंट्स ने क्या बोला है कि एनुअल एक्सपोर्ट कोटा आप लगाएंगे फॉर आर्टिफिशियली प्रपोगेटेड रेड सैंडल्स और जीरो एक्सपोर्ट कोटा लगाएंगे फॉर वाइल्ड स्पेसिमेंट ऑफ रेड सेंडल्स ओके सो दिस इज और अबाउट द न्यूज़ नेक्स्ट कम टू व्हाट इज़ रेड सैंडस विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट तो कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल फोर में आते हैं साइट्स के अपेंडिक्स टू में आते हैं हैबिटेट की बात करें तो इंडिया की एंडेमिक ट्री स्पीशीज़ है जो कि सिर्फ ईस्टर्न घाट जो है इंडिया का वहाँ पर मिलती है आंध्र प्रदेश वाले रीजन में कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वेरी स्लो ग्रोइंग ट्री स्पीशीज है 25 फाइव टू फोर्टी ईयर्स लगते हैं मेचोरटी के लिए ड्राउट से रेसिस्टेंट है इसके बहुत सारे नाम भी होते हैं अलग अलग रेड सैंडर वुड रेड सैंडर्स ठीक है चंदनम रक्त चंदनम लाल चंदन तो ये सारी चीज ये सारे नाम हैं अब ये डिमांड में बहुत ज़्यादा है बिकॉज़ ये जो हमारी फर्नीचर की आ, आ, इंडस्ट्री है वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पर्टिकुलरली चाइना में बहुत ज़्यादा डिमांड में और थेरेपेटिक मेडिसिनल चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है नेक्स्ट आते हैं न्यू आ, न्यू रि, रिलेटेड न्यूज़ तो साइट्स ने अभी कुछ सिग्निफिकेंट ट्रेड्स को रिव्यू किया है तो सेवेंटी सेवेंथ साइट्स स्टैंडिंग कमेटी ने की अभी मीटिंग हुई है जिन्होंने रेड सैंडल्स को रिमूव कर दिया है फ्रॉम रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड अब इस प्रोसेस का सिंपल मतलब है कि जो है उन पे लेना है जो हमारे ऑब्लिगेशन को मीट नहीं कर रही है तो रेड सेंडर्स को भी हटा दिया है अब साइट की अगर बात करें द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना तो ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है गवर्नमेंट के बीच में और ये ड्राफ्ट किया गया था एज अ रेजोल्यूशन अडॉप्टेड इन 1963 एट अ मीटिंग ऑफ आयो और टेक्स्ट जो है एग्रीड हुआ था 1973 में और 1975 में आया था अब इनका सेक्रेटेरिएट एडमिनिस्टर कौन करते हैं यू और जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है अब ये जो है वाइल्ड एनिमल्स हैं जितने और प्लांट्स हैं उनके बीच में जो भी ट्रेड कर रहे हो उन सब चीज़ों को रेगुलेट करती है और उनके स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए चीज़ें करती है मेंबरशिप की बात करें तो इंडिया इसका मेंबर है वन एटी फोर मेम्बर्स पार्टीज़ हैं मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है साइट्स की वो डायरेक्टर जनरल ऑफ़ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ठीक है अब वॉट साइट्स के तीन अपेंडिक्स हैं पहला अपेंडिक्स है वन दूसरा अपेंडिक्स टू तीसरा अपेंडिक्स थ्री अपेंडिक्स वन जो है वो स्पीशीज़ जो मोस्टली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है साइट्स के अंदर वो एनिमल और प्लांट्स इसमें लिस्ट किए जाते हैं और उनका प्रोहिबिशन होता है मतलब आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए बिल्कुल भी उनको नहीं आप यूज़ कर सकते नहीं ट्रेड कर सकते नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए आप कर सकते हो इम्पोर्ट अपेंडिक्स टू में वो स्पीशीज़ आती हैं जो ज़्यादा थ्रेटन विथ एक्सटेंशन नहीं है बट अगर उनका ट्रेड जो है कंटिन्यूस रहा तो वो जो है थ्रेटेड हो जाएंगी और इनको लुक अलाइक स्पीशीज भी बोलते हैं इसमें जो है एक्सपोर्ट आप कर सकते हो पर एक्सपोर्ट uh, परमिट दिया जाता है और री एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट भी दिया जाता है अपेंडिक्स थ्री में वो आती हैं अगर कोई पार्टी ने मान लीजिए मेरी कंट्री ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे इस स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना है तो जितनी भी बाकी कंट्रीज इसकी पार्टी है वो सब कोऑपरेशन करें और प्रिवेंट करें कि उनका इलीगल एक्सप्लाइटेशन ना हो और ये अलाउड ओनली ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ द अप्रोप्रिएट परमिट और सर्टिफिकेट जब तक आप एक परमिट और सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे तब तक आपको नहीं अलाउड होगा सो दीज आर द थ्री अपेंडिक्स ऑफ साइट्स जो हमने पढ़े ओके okay, अब व्हाट आर द की इंफॉर्मेशन की बात करें तो मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स माइक प्रोग्राम ये एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है जो बहुत सारे एलिफेंट मोर जो एलिफेंट के लिए बनाया गया है ये प्रोग्राम उनकी मोर्टैलिटी के लिए इंडिया जो है इंडिया की दस साइट्स इसमें पार्टिसिपेट करती हैं लीगली बाइंडिंग है पार्टीज़ पर बट ये नेशनल लॉस को नहीं आ, हटा सकती हर पार्टी के खुद के डोमेस्टिक लॉस होंगे और उसके हिसाब से वो आप प्रोटेक्ट करेंगे अब जितनी भी पार्टीज़ उनको राइट टू अटेंड टू पुट फॉरवर्ड प्रपोजल टू कंसीडर और वोट ऑन ऑल का डिसीजन दिया गया है और स्पीशीज जो भी कवर्ड है साइट्स के अंदर वो तीन अपेंडिक्स के अंदर आती है सो दीज आर द दिस इज द साइट्स अब आते हैं इन्वेजिव एलियन स्पीशीज तो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज हम कल पढ़ते हैं आई विल स्टार्ट बिकॉज बिकॉजिव एलियन स्पीशीज में तीन चार चीजें हैं एक मिनट में चेक कर लेती हूँ यस yes. तो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ एंड आई यू सी एन हम पढ़ लेते हैं नेशनल पार्क हम कल से पढ़ेंगे इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ की बात करें तो इन, ये न्यूज़ में इसलिए है कि इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडावर्सिटी एंड इको सिस्टम सर्विसिस ने एक रिपोर्ट uh, रिलीज़ की है दैट इज असेसमेंट रिपोर्ट ऑन इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ एंड देयर कंट्रोल वाट इज इन्वेजिव एलियन स्पीशीज इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ उस टाइप एक सबसेट होता है इंडियन स्पीशीज़ का जो हमारे नेगेटिव इंपैक्ट करती हैं जहाँ पे भी इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी भी इको सिस्टम में तो एलियन स्पीशीज़ कौन होती है एनिमल प्लांट्स और अदर और ऑर्गेनिज्म जो इंट्रोड्यूस ह्यूमन एक्टिविटीज़ करती है किसी रीजन में और एलियन स्पीशीज इन्वेजिव स्पीशीज़ नहीं होती बट ये बेनिफिट हो करती हैं फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर से अब इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ जो है वन ऑफ द फाइव मेजर डायरेक्ट ड्राइवर्स हैं बायोडावर्सिटी के लॉस की ग्लोबली अब इन्वेजिव स्पीशीज़ अब ग्लोबल एफ़र्ट्स की बात करें तो कॉमन करैक्टरिस्टिक्स क्या है पहले वो देख लेते हैं रैपिड रिप्रोडक्शन और ग्रोथ होता है इनका हाई डिस्पोजल एबिलिटी होती है और एबिलिटी की फिजियोलॉजिकली ये अडॉप्ट कर लेते हैं कोई भी न्यू कंडीशन बट बहुत सारे uh, जो फूड टाइप्स हैं उस पर सर्वाइव करते हैं और वाइड रेंज ऑफ एन्वायरमेंटल कंडीशन में भी सर्वाइव करते हैं इसीलिए ये जहाँ पर इंट्रोड्यूस होते हैं तो वहाँ के प्लांट्स और uh, बाकी चीज़ें जो है डिस्टर्ब होने लगती हैं ग्लोबल एफ़र्ट्स की बात करें तो इन्वेजिव स्पीशीज़ स्पेशलिस्ट ग्रुप एक बनाया गया है जो ग्लोबल नेटवर्क है साइंटिफिक और पॉलिसी एक्सपर्ट्स का ऑर्गेनाइज किसके अंदर किया गया था स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन ऑफ द आई अब इंटर गवर्नमेंटल स्पीशीज साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडावर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज की बात करें तो ये एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंटल बॉडी है ये यूनाइटेड नेशन बॉडी नहीं है वेरी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे यूनाइटेड नेशन बॉडी नहीं है जेनेसिस इनका 2012 में हुआ था और ये साइंस पॉलिसी इंटरफेस को स्ट्रेंथन करने के लिए कि जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनको कंजर्व करना है सस्टेनेबल बायोडावर्सिटी बढ़ाना है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है वो ये सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड करते हैं इसको मेंबरशिप 144 कंट्रीज़ इसके मेम्बर हैं अब एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन की बात करें तो ये इंडिया को अभी एज़ अ स्टैंडिंग कमेटी की तरह अडॉप्ट uh, किया गया है इंडिया के चेयर बनाया गया है अब ये क्या है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन बढ़ाते हैं इन एशिया पैसिफिक रीजन फॉर प्लांट हेल्थ एंड प्रोटेक्शन स्टैब्लिश हुई थी 1956 में एज अ रीजनल बॉडी बाई द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मैंडेट यही है कि जितनी भी इन्वेटिव स्पीशीज़ हैं उनके आउटब्रेक को मैनेज करना और सेफ एग्रीकल्चरल ट्रेड को प्रमोट करना अब कुछ इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ जो है न्यूज़ है वो देख लेते हैं सबसे पहले है प्रोसोपिस प्रोसुपिज ये जो है ये नेटिव वेजिटेशन को बहुत ज्यादा थ्रेटन कर रही है खराब कर रही है अक्रॉस द ट्वेंटी इन द गल्फ ऑफ मन्नार रिजर्व अब गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फेयर रिजर्व इंडिया का पहला मरीन बायोस्फेयर रिजर्व है जहां पे ये इंट्रोड्यूस की गई है ड्राउट रेसिस्टेंट प्लांट है याद रखिएगा कि ड्राउट रेसिस्टेंट प्लांट मतलब ड्राउट अगर आ भी जाए तो भी ये प्लांट सर्वाइव कर पाएगा नेटिव टू एरिड रीजन

1928 में ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल फिर आते हैं कोनो कारपस ट्रीज़ ये भी इन्वेजिव मांग्रूव स्पीशीज़ है जो कि गुजरात गवर्नमेंट ने अभी बैन कर दिया है उससे पहले तेलंगाना गवर्नमेंट ने भी बैन किया था ये जीनस है दो स्पीशीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का जो कि विंटर का और ये नेटिव है ट्रॉपिकल रीजन्स के और वाइडली पब्लिक स्पेसेस पे यूज़ होते हैं फॉर इट्स ऑर्नामेंटल लुक्स फिर आते हैं लुडविया पेरुवीनिया ये इन्वेजिव बीड वीड है जो हमारे एलिफेंट हैबिटेट को थ्रेटन कर रही है एंड फोर्जिंग ग्राउंड इन तमिलनाडु पॉपुलरली uh, uh, इनको प्राइम रोज विलो भी बोला जाता है ये सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में मिलती हैं और ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए यूज़ होती हैं टाइनी येलो फ्लावर्स के लिए ये वाटर बॉडीज़ में सबसे ज़्यादा ग्रो करती हैं और ट्वेंटी टू प्रायोरिटी इन्वेजिव प्लांट्स में से एक हैं तमिलनाडु में फिर आते रेड फायर आंट तो ये जो है यूरोप में पहली बार पाया गया ये साउथ अमेरिका यूनाइटेड स्टेट मेक्सिको करेबियन आइलैंड चाइना और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं इम्पैक्ट अगर बात करें तो ये सुपर कॉलोनीज फॉर्म करती हैं विथ मल्टीपल क्वींस और बहुत जल्दी रैपिडली ग्रो होती हैं फ़ॉना पे फीड करती हैं कम्युनिकेशंस की बात करें केमिकल सेक्रेशन सेक्रेशन और रिलेशन सिंपल साउंड के थ्रू जो है ये और ड्रमिंग ड्रमिंग होती है बॉडी एक बॉडी से दूसरी बॉडी के थ्रू ऐसे ये कम्युनिकेट करते हैं तो दिस इज़ ऑल अबाउट इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ ओके okay. नेक्स्ट आते हैं रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज तो आयुषन ने अभी रिलीज की है अपडेटेड रेड लिस्ट फॉर थ्रेटेंड स्पीशीज अब की फाइंडिंग की बात करें तो 44,000 फोर स्पीशीज़ हैं विथ एक्सटेंशन जो कि इंक्रीज uh, हुई हैं 2000 से साइगा जो है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड से नियर थ्रेटन में आ गया है ये एक एंटीलोप है जो लास्ट आई सज में मिला था ट्वेंटी ऑफ द फ्रेश वाटर फिश जो है वो एक्सटेंशन पे रिस्क में है एटलीस्ट सेवेंटीन जो है वो क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट हो रही है फर्स्ट ग्लोबल फ्रेश वाटर फिश असेसमेंट किया गया और फोर फ्रेश वाटर सब फिश स्पेशीज़ जो हैं वो वाटर बॉडीज़ में फाउंड हुई अंडर द और फ्रॉम केरला जो कि इंक्लूड की गई लिस्ट में एंडेंजर्ड में आई साजिश कैटफिश अब्दुल कलाम्स ब्लाइंड ब्लाइंड केव कैटफिश और पेंगियो भुजिया वल्नरेबल में आई गोलम स्नैक हेड ठीक है अब रेड लिस्ट की बात करें तो रेड लिस्ट जो है वो हमारी वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी के हेल्थ के बारे में बताता है पॉपुले ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि कितनी पॉपुलेशन है उनकी क्या साइज है हैबिटेट का क्या इकोलॉजी है क्या थ्रेट्स हैं क्या कंजर्वेशन मेजर्स हैं क्राइटेरिया जो यूज़ किया जाता है स्पीशीज़ का रिस्क डिटरमाइन करने के लिए पॉपुलेशन साइज रिडक्शन रेस्ट्रिक्शन जोग्राफिकल रेंज स्मॉल पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग वेरी स्मॉल और लाइव्स इन दिस तो दीज आर द क्राइटेरिया जो यूज़ किए जाते हैं अब आई की बात करें तो ये 1948 में क्रिएट की गई इनका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में हेडकोार्टर है ये जितने भी हमारी आ, नेचर के प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको कंजर्व और उनकी वैल्यू करने के लिए बताया गया गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के दोनों के मेम्बर होते हैं और इनकी कुछ रिपोर्ट्स हैं स्टेट ऑफ वर्ल्ड एम्फीबियंस द सेकेंड ग्लोबल एम्फीबियन असेसमेंट रिपोर्ट report, यही रिलीज़ करते हैं अब आई के अंदर जो है नाइन कैटेगरीज में हम स्पीशीज़ को डिवाइड करते हैं सारी स्पीशीज़ जो है कुछ स्पीशीज़ नॉन इवोल्यूटिड होती हैं कुछ स्पीशीज डेटा डिफिशन लीज कंसर्न नियर थ्रेटन फिर थ्रेटन कैटेगरी के अंदर तीन आते हैं वर्नरेबल एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड फिर एक्सटेंशन इन वाइल्ड एंड एक्सटेंड अब अगर इंक्रीज रिस्क बात करें तो नियर थ्री जो है नियर थ्रेटन मतलब वो अभी तो नहीं है थ्रेटन पर आगे चल के थ्रेटन हो जाएंगी लीज कंसर्न जिनकी पॉपुलेशन स्टेबल है और वो एक्सटेंशन फेज नहीं कर रही है डेटा डिफिशन की बात करें तो इंफॉर्मेशन ही नहीं है किसी स्पीशीज के बारे में तो उनको हम डेटा डिफिशन में डालेंगे फिर थ्रेटन

comment me on the comment section thank you